सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पुत्र, आप सभी का स्वागत है हमारे रिकॉर्डिंग टेक्निकल न्यूज पर। और आज भी यहाँ पर आप ये देख सकते हो अच्छी तरह से कैनन का 50mm लेंस। मैंने इस लेंस को परचेस कर लिया और इस लेंस के साथ वीडियो और पिक्चर बहुत ही अच्छा आप ले सकते हो। पीछे ब्लर बहुत अच्छा करके आएगा। तो पहले इस लेंस को अनबॉक्सिंग करते, उसके बाद इस लेंस का कुछ पिक्चर और वीडियो लेके आपको यहाँ पर दिखाने वाले हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट से आया, तो मैं इसको परचेस किया फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट का जो बिग डील डेज था वहाँ पर मैं इस कैनन का 50mm लेंस को परचेस किया। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और देखता हूँ इसका अंदर मुझे क्या कुछ मिलता है। पहले देखो यहाँ पर एक बिल मुझे दिखा। तो यहाँ पर मैं कितने रुपए से इसको परचेस किया, तो मैं अच्छी तरह से यहाँ पर बोलता हूँ। यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखो 8399 में मैं इसको इस लेंस को परचेस किया यहाँ पर कैनन का 50mm लेंस। तो यहाँ पर बहुत सारा रैप था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये लेंस का 50mm। तो यहाँ पर बहुत कुछ इस लेंस को अच्छे से देख सकते हो कैनन का 50mm। तो क्या कुछ यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ, इस लेंस का प्राइस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है अच्छी तरह से आप देख सकते हो। बहुत इसका प्राइस तो बहुत है, मगर मैं यहाँ पर ऑफर में परचेस किया था फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ और देखता हूँ इसका अंदर क्या कुछ मिलता है। पहले इसका ये देखो यहाँ पर इसका सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर बाद में मुझे ये एंट्री करना होगा ऑनलाइन। तो ठीक है, उसको पास में रखता हूँ। यहाँ पर पेपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिलता है इस कैमरे के साथ क्या कुछ, तो बाद में पास में रखता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ये इस कैमरे का 50mm लेंस और इसका ट्रे बहुत अच्छा है। लेंस बहुत छोटा है मगर बहुत पावरफुल लेंस है, ये 50mm लेंस है। इसके ब्लर बहुत अच्छा करके आएगा। तो सारा कुछ मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं अच्छी तरह से दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये लेंस कैसा है, बहुत छोटा है लेंस। और ये इसको आप यहाँ पर मूव कर सकते हो पीछे, यहाँ पर इसको ओपन करके कैमरे के साथ ये फिट करना होगा ऐसे करके। देखो कैमरे के साथ आपको फिट करना होगा ऐसे वो यहाँ पर। तो उस तरफ मैं देखता हूँ उस तरफ क्या कुछ है। ये तरफ देखो ये इसको आप ढक्कन को ऐसे करके हटा सकते हो। उसके बाद ये देखो लेंस कैसे, इसका लुक कैसा है आप अच्छे से देखो यहाँ पर। तो इसको मैं फिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं इसको फिट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक इसको आप घुमा के आप इसका ब्लारनेस अब मैनुअल में अगर रखते हो तो ब्लारनेस को इनक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ऐसे करके मैनुअल में। तो अगर ऑटो में आप नहीं रखते हो, मैनुअल में रखते हो तो ऐसे करके। यहाँ पर देखो ऑटो फोकस और ऐसे ऑटो और मैनुअल यहाँ पर है, आप ऑटो फोकस कर सकते हो, मैनुअल फोकस भी कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर कैनन का 50mm सारा कुछ लिखा हुआ है। और देखो साइज भी किया हुआ है 30, ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इस लेंस के बारे में। और यहाँ पर लिखा है कैनन का 50mm लेंस, सारा कुछ लिखा है। 1.8 aperture इसका, तो पहले को किट लेंस का था 4.2 aperture, तो इसका एपर्चर बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं इस लेंस के साथ कुछ पिक्चर और वीडियो आपको शूट करके आपको मैं यहाँ पर अच्छे से दिखाता हूँ इसका कैसा होता है, इसका पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसा होता है सारा कुछ मैं अच्छे से दिखाता हूँ। तो देखो अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कैनन का 50mm लेंस, इस लेंस का अनबॉक्सिंग और इस लेंस के साथ कुछ पिक्चर और वीडियो क्वालिटी। अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है ना, ये कैनन का 50mm लेंस से ये वीडियो शूट हो रहा है। तो पहले जो मैं वीडियो किया था, इस वीडियो का बिगिनिंग में जो मैं वीडियो किया था इस 50mm लेंस से मैं वीडियो शूट किया था, क्योंकि मैं इस लेंस का अनबॉक्सिंग पहले ही कर लिया था और इस लेंस के साथ मैंने ये दो वीडियो मैं बाद में लिया, तो बाद में ये शॉट लिया। इसके लिए लेंस के साथ ही आप वीडियो देख सकते हो अभी कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा अच्छा है। आप देखो पीछे ब्लर, पीछे तो मेरा यहाँ पर जो पीछे सारा कुछ जो तो बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो अभी आपको ब्लर अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा। तो पीछे अगर कुछ यहाँ पर है
तो ब्लर होगा। अगर मैं पीछे कुछ रखता हूँ तो उसके बाद आप ब्लर को देख सकते हो। यहाँ पर मैं जो पिक्चर दिखाया आपको उसका ब्लर आप देख सकते हो कितना अच्छा करके आया, उसका पिक्चर क्वालिटी और उसका वीडियो क्वालिटी भी कितना अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका वीडियो क्वालिटी जो अभी यहाँ पर वीडियो चल रहे हैं, इस क्वालिटी आप देख सकते हो अच्छी तरह से इसका क्वालिटी कितना अच्छा है इस 50mm लेंस के साथ। अगर आपके पास कैनन का और निकोन का भी कोई कैमरा है तो इस लेंस को आप परचेस कर सकते हो। तो इस लेंस का परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से इस लेंस को परचेस कर सकते हो। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल करंट टेक्निकल न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा, थैंक यू।